कुरुक्षेत्र से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र में प्रशासन ने पीला पंजा चलाया है। बाजार की हम बात करें कुरुक्षेत्र के, बाजार में दुकानों के बाहर यह पीला पंजा चला और अतिक्रमण हुआ है तो एफआईआर भी दर्ज होगी, ये एसडीएम ने कह दिया है, और फिर अतिक्रमण हुआ तो फिर से एफआईआर दर्ज होगी, ये भी चेतावनी एसडीएम की ओर से दी गई है। ये जो अतिक्रमण किया जाता है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रशासन सख्त हो चला है, एसडीएम खुद बयान दे रहे हैं और जो भी अतिक्रमण किया जाता है ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं होगा। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेसीबी और जेसीबी का पंजा चलता हुआ बाजारों में जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर यह पीला पंजा चला है, चेतावनी दे दी गई है बाजार में व्यापारियों को, दुकानदारों को, कि अगर आने वाले समय में भी ऐसा हुआ तो एफआईआर तक दर्ज होगी, यानी कि थाने के भी चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो बाहर पीपली चौक पर जहां जाम लगा रहता है वहां पर कार्रवाई की गई। फिर आज तीसरा दिन है, पहला दिन हमने शुरू किया था जो अंबेडकर चौक से, कल बाजार और आज पुरानी सब्जी मंडी और ब्रह्मस रोड तक हम आ गए। तो जो भी एनक्रोचमेंट है टेम्परेरी और परमानेंट, उन सब को प्यार से समझाया जाता है पहले। अगर वो कहते हैं कि आधे घंटे में अपना सामान उठा लेंगे तो ठीक है, उस अदरवाइज़ फिर अब दूसरे राउंड में हम जेसीबी के साथ कार्रवाई करेंगे। जो भी एनक्रोचमेंट है किसी भी एनक्रोचमेंट को छोड़ा नहीं जाएगा। कहते हैं पहले प्यार से समझाते हैं, नहीं मानते तो फिर पुलिस हेल्प है, हमारे साथ पुलिस है, महिला और पुलिस पुरुष दोनों प्रकार की पुलिस साथ में है, अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। राजीव अरोड़ा कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर मौजूद है। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे क्या यहां पर व्यापारियों ने, दुकानदारों ने विरोध किया है जो अतिक्रमण किया गया था उसके बाद पीला पंजा चला है प्रशासन की ओर से चला गया? हाँ जी कमल, बिल्कुल, देखिए विरोध जरूर किया था लेकिन जो उनकी आवाज है वो दब गई है, क्योंकि दुकानदार जो है खुद गलत थे और सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था और प्रशासन ने जो है पीला पंजा चलाया है। और इससे जो है आम जनता की यदि बात की जाए तो आम जनता जो है बेहद खुशी है आम जनता को इससे, क्योंकि जनता को परेशानी होती थी, उनको वाहन की बात छोड़िए तो पैदल निकलना भी जो है अतिक्रमणकारियों की मेहरबानी से दूभर हो चला था। तो आम जनता जो है प्रशासन के इस कदम की सराहना कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हुई है, एसडीएम से बात हुई है जो कि खुद इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को जो है लीड कर रहे थे। उनका कहना था कि पिपली चौक, अंबेडकर चौक, पुरानी सब्जी मंडी, यानी अवैध अतिक्रमण प्रशासन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ये संकेत आज बाजार में पीला पंजा चलाकर दे भी दिए हैं प्रशासन ने। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव अरोड़ा, आपने जानकारी दी इस खबर को लेकर।